तो आज आप लोगों को पहला टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का, पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो चलिए हम देखते हैं सॉलिड होता क्या है, ठोस अवस्था। तो जितने भी परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस। तो पहले होता है ठोस। ठोस क्या होता है, जिसमें पदार्थ के जो अणु होते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ मान लो ये मार्कर है, तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। तो इसमें क्या होता है, ठोस में जो पदार्थ के छोटे छोटे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल, वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, इसीलिए वह ठोस होता है। और जो द्रव होते हैं, इसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो जैसे थोड़ा सा दूरी बना के रहते हैं। और गैस में तो और दूर रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मान लो एक कोई भी इस तरह से बॉडी है, इसमें जो छोटे छोटे अणु होंगे बहुत ही नज़दीक होंगे, इतना नहीं, छोटा कर लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो इसमें जो इसके जो ठोस के अणु होंगे बहुत ही नज़दीक होंगे इस तरह से, एकदम जैसे कि पूरा एकदम भरा रहेगा, जगह ही नहीं रहेगी, कहीं हल्का फुल्का कहीं जगह होगी। तो ये कौन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ठोस। आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये दबेगा नहीं। अब देखो द्रव क्या होता है, जैसे यहाँ पे द्रव हो गया, तो इसके मॉलिक्यूल कुछ दूर दूर रहते हैं इस तरह से, और गैस हो गया तो इसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, जैसे यहाँ बस एक में दो तीन इस तरह से। अब क्या होता है, ठोस होता है, इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। जैसे ए है, ए मार्कर है, मान लो यहाँ पे डस्टर है, ठीक है, तो इसका आकार भी निश्चित है, आयतन निश्चित, क्योंकि इसको हम आयतन मतलब होता, आकार मतलब होता है कि इसका आकार तो बढ़ेगा नहीं। अब इसको यहाँ से यहाँ से काट दिया गया, आकार तो बढ़ेगा नहीं। और आयतन मतलब यानी कि इसके इसके खींचने पे ये बढ़ता नहीं, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। तो इसमें आप ठोस में लिखेंगे आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित। हाँ, किसी भी ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव क्या होगा, द्रव का आयतन, आकार पहले लिखो, आकार और फिर उसके बाद आयतन। ठोस का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और आयतन क्या होगा, निश्चित, ठीक है। जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए, और उसको आप अगर पानी को बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, और उसी पानी को बाटन में डालेंगे तो बाटन का आकार ले लेगा। किसी भी आप कंटेनर में डालते हैं तो वो पानी क्या होता है, उसका आकार अनिश्चित है। पानी को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसका आकार ले लेगा, इसलिए पानी का आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है। जैसे आप एक लीटर पानी लिए, ठीक है, आयतन कैसे निश्चित होगा, जैसे आप एक लीटर पानी लिए, उसको आप किसी जग में डालेंगे तो हाँ एक ही लीटर रहेगा, और अगर उसको किसी जैसे कि जो होता है बाल्टी डालेंगे, उसमें अगर डालेंगे तब भी एक लीटर रहेगा, इसलिए आयतन तो निश्चित हुआ और आकार अनिश्चित। आप जिसमें पानी को डालते हैं, पानी उसका आकार ले लेगा, गिलास में डालेंगे गिलास का आकार लेगा, और अगर किसी बाल्टी में डालते हैं बाल्टी का आकार लेगा, बाटल में डालते हैं बाटल का आकार लेगा। लेकिन अगर एक लीटर पानी है तो पानी को आप दूसरे कंटेनर में चेंज करते हैं तो उसका उसके जो वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि एक लीटर है तो एक ही लीटर रहेगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो गैस क्या होती है, गैस इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों ही क्या होगा, अनिश्चित। आप किसी सिलेंडर में गैस भर के रखे हैं, आप उसको चाहेंगे छोटे सिलेंडर में भर सकते हैं, और उसको अगर आप खोलते हैं तो हवा में उड़ जाएगा, यानी कि वो बहुत दूर तक फैलता ही जाएगा, आकार उसका कोई नहीं, बस इतने ही कमरे में ही रहेगा, बाहर से ही बाहर भी निकल जाएगा। तो ठोस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। जो द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित। और गैस क्या होता है, आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होते, इसको नोट कर लो।
देखो यहाँ पे है अंतर आणविक आकर्षण बल। अभी क्या होता है, किन्हीं भी दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। इसको लिख लो, किसी भी दो अणुओं के मध्य किन्हीं भी दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। मान लो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे बॉडी हो गया। अब इनके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कार्य करेगा वही क्या है, अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल किसका अधिक होता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल किसका अधिक होगा, तो ठोस का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस। ठीक है, उतार लो इसको। हो गया, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ये ठोस अवस्था क्या होता है, किसी भी पदार्थ के बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है, तो वो अगर बहुत ही ज़्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करे तो उसी को हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन होती है, किसी भी पदार्थ के मध्य कार्य करने वाले प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल। लिख लो, पहले ये लिखो, पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करे। लिख दे, पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करे और उनका आकार और आयतन निश्चित हो। निश्चित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, उतार लो इसको।